आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने भारत पाकिस्तान संबंध को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। गंभीर का मानना है कि कंडीशन बायकॉट करना भारत पाकिस्तान रिश्ते का कोई समाधान नहीं है। बॉर्डर पर आए दिन होने वाले सीज फायर के उल्लंघन को लेकर गंभीर काफी रोष में नजर आए। दिल्ली डेयरडेविल्स के मैच के दिन गौतम गंभीर ने सीआरपीएफ शहीदों के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद गंभीर ने एक ट्वीट में लिखा, इनकी आंखें नम थी, दिल में गम था। मैंने जब टटोला तो जाना मेरा गम तो बहुत कम था। इसके अलावा गंभीर ने भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर भी कुछ कड़ी बातें कही। इसके लिए कुछ जरूरी समाधान सोचना चाहिए। गंभीर ने कहा कि ये सोच सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे देश की है। उन्होंने कहा कि वॉर के बिना ही बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। शहीदों के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। गंभीर ने ट्विटर के जरिए बताया कि शहीदों का ये परिवार आज फिरोजशाह कोटला में मौजूद रहेगा।